क्या सुन रहा हूँ आज मैं बनाया था। बड़ा अच्छा सरप्राइज प्लान किया आपने अम्मी के लिए वैलेंटाइन डे पे। हाँ सब बनाया था सब। कहाँ से दिमाग में आया आपके ये? हमारे दिलोड़े वो बताए थे ना सीता जी। अच्छा तो बताए थे, हम बनाया हमने। मेहनत तो आपने की है ना? आई थिंक जिंदगी में पहली बार किया होगा आपने ये ऐसे। हाँ। है ना? वो भी इतने खास दिन पे। क्या दे? बहुत खुश हो गए। क्या क्या बनाया? बेल और मिल्क शेक। हाँ सैंडविच। क्या बात है, मिली मिली खाने को है ना? है क्या खाएंगे खाएंगे। सैंडविच बेल। सैंडविच का शेप पूछो। सैंडविच का शेप कैसा है? दिल के जैसा बनाया है ना आपने। तो जैसे कि मैंने कहा था कि पहले मैं आपको सारी क्लिप्स ऐड करके दिखाऊंगा पापा ने कितनी मेहनत करी। मैं भी देखूंगा, अभी आपको भी दिखाऊंगा कितनी मेहनत की पापा ने, कैसे बनाया है, उसके बाद मैं टेस्ट करूंगा। और ये जो सारी क्लिप्स हैं इनमें वॉल्यूम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप देखें, क्योंकि एफर्ट्स जो हैं वो मैटर करते हैं। और पापा के सारे एफर्ट्स आप देखिए। Thank you.
आओ ये बनाया आपने, क्या बात कर रहे हो आपने बनाया? क्या बनाया? अरे वाह बहुत अच्छा है। पसीना छोड़ गया ना सर। ये फेल है। हाँ नहीं ये है ना चॉकलेट है। अच्छा चॉकलेट का टेस्ट आएगा। अल्लाह पहली बार जिंदगी में इतना मेरे लिए कुछ किया है, मुझे खुद नहीं पता कभी जिंदगी में कि एकदम घबरा गई काहे के लिए बुलाया कुछ काम की उधर भी तबीयत खराब हो गई। अल्लाह कब से हम लोग कितने देर से किचन में थे और खुद ने बनाया कैसे दिखाऊंगी मैं। कैसे शुक्रिया ना कर आंसू आ रहा है कि मतलब आज जितने सालों के बच्चे हो गए हम इतने बड़े हो गए, पहली बार जिंदगी में ऐसा दिमाग में उनके आया जिसका भी दिमाग हो जो भी हो कि मुझे बहुत दिल से अच्छा लगा। अल्लाह ने हमारी उम्र तुम्हें लगे कि आज जो बच्चों के जो बच्चों का दिन है ये देख के मुझे ऐसा लगा लेकिन तुमने तैयार किया इतना अच्छा लगा इतना भी बता नहीं बच्चों बने सबका अभी आप टेस्ट कर सकते हो। हाँ। और मैं निकल जाती हूँ। शीतल का भी शुक्रिया दिल से, उन्होंने किया दिल से तुम्हारा भी शुक्रिया। नहीं तो बनता ही नहीं ना, वो नहीं बोलते तो मैं क्या करती। उन्होंने कितने अच्छे दिल से किया उन्होंने। अभी एसी ऑन करते हैं उनके लिए। आवाज कैसा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब खा के देखो क्या टाइम हुआ। वही से डाल लेके आइस डाल ये तोड़। अभी सब खा लीजिएगा। अच्छे से खाओ आप। तीन चार चीज है, चिकन है, शिमला मिर्च है, प्याज है, चिकन है। कैसा है? अच्छा। अच्छा आपने बनाया अपने हाथों से? बहुत अच्छा। क्या है? वो चीजें पड़ी है, काजू पड़ा है, मिल्क दूध शेप का सैंडविच। ओए होए और ये भेल, ये भेल क्या बात है। मतलब सैंडविच इसे मस्त एक वीक के अंदर की फिलिंग पूरी पापा ने बनाई है। ये गाजर काटना, शिमला मिर्च काटना, उसमें सब मिक्स करना सब पापा ने किया है। सब किया। क्या बात है। मिर्च गाजर सब और वो प्याज प्याज। हाँ क्या बात है। बैठना क्या बात है। क्या बात है। अच्छी बहुत अच्छी है। अब डन, महीने में एक बार पापा आपको ऐसे बनाएंगे ठीक है। तुम टेस्ट करो। बहुत अच्छा बना पापा। ये तो आपने एक बार खा लिया ये मैं आपको नहीं दे रही। नहीं सच में बहुत अच्छा बना है। बहुत ही अच्छा बना। बहुत अच्छा। बहुत ही आपने टेस्ट किया कि नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। अरे आपने भी टेस्ट नहीं किया अभी? क्यों नहीं? हमने बोल लिया था मिल्क शेक बस। अच्छा थोड़ा टेस्ट करो। बहुत अच्छा बना। हीक भी नहीं आ रही जो आप बोलते हो ना। हीक आती हीक भी नहीं आ रही। बहुत अच्छा बना। अच्छा बहुत ही क्या अच्छा बात है। वाह 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 जियो मेरे शेर। बढ़िया है। लो कर लो वॉक कर लो। हाँ जी तो आ गया हूँ मैं वापस सेट पर और ये था वैलेंटाइन डे का एक छोटा सा व्लॉग जो कि बहुत स्पेशल व्लॉग बन गया बिकॉज ऑफ पापा। पापा ने जिस तरीके से मम्मी के लिए सारी चीज़ें करी लाइक उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया है। और यस उन्होंने किया शीतल के कहने पे। शीतल ने उनको पुश किया बट उनके मन में एक चाह थी कि हाँ मुझे करना है। शीतल बता रही थी जब मैंने उनसे बोला कि आप वैलेंटाइन डे है कुछ बनाओगे आप अम्मी के लिए तो उन्होंने एकदम से बोला कि हाँ मैंने कभी कुछ किया नहीं है मैं कुछ बनाना चाहूँगा। तो उन्होंने जैसे तैसे किया सारी चीज़ें करी हैं और अच्छा हुआ तो शीतल ने उसकी जो है वो क्लिप्स ले ली तो मैंने आपको सबको दिखा दी है। तो बस ये था और बस कहते हैं ना कि इंसान के मन में चाह होनी चाहिए किसी के लिए कुछ करने की फिर वो कैसे भी कुछ भी कर सकता है। एंड स्पेशल थैंक्स टू शीतल ऑल्सो पापा को हर चीज़ के लिए इतना पुश करने के लिए उनको ये एहसास कराने